प्रदेश की सरकार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी, ये कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास का। ये बात उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। खाचरवास ने कहा कि इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वहीं खाचरवास के इस बयान के बाद लग रहा है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री भी एकमत नहीं है। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सती प्रथा को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित मानते हुए पाठ्यक्रम से जौहर का चित्र हटवाने की बात कह रहे हैं, और इसी दौरान खाचरवास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। आप भी सुनिए इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा। अध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास, जिनका आज जन्मदिन है, जयपुर शहरवासी और प्रदेश भर से कार्यकर्ता उनको जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए पहुंचे हैं। प्रताप जी, जनता का जो आशीर्वाद और प्यार आपको लगातार मिल रहा है, लगातार आपने 5 साल जिला अध्यक्ष के तौर पर संघर्ष किया और आज प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। संघर्ष नहीं, मेरा लोगों से जुड़ाव है, पढ़ता हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जयपुर में हुई है, सब लोगों से प्यार और प्रेम है। मैं रोड मास्टर आदमी हूँ, मंत्री पद का कोई बुखार नहीं है। लोगों से जुड़ाव है, प्यार और प्रेम हमेशा मुझे मिलता रहा है, चाहे मैं पावर में रहूँ चाहे नहीं रहूँ, ये इनका प्रेम है और इस प्रेम का सम्मान करना मेरी मॉरल ड्यूटी है। दो मुद्दे इस समय राजस्थान में छाए हुए हैं, अलवर में जो कांड हुआ उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, आज राहुल गांधी भी अलवर आए हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं, जयपुर में अलवर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट उनके साथ है। ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जब डेल्टा प्रकरण हुआ और डांगावास कांड हुआ तब भी मुखर होकर सामने आई। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस आज तक किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। राजस्थान में जो थानागाजी रेप प्रकरण हुआ उसमें जो मुलजिम थे पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई करना, सजा देना, फांसी देना, सब काम कोर्ट का है। इसके बावजूद बीजेपी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए वो कितनी राजनीति कर ले, राजस्थान की जनता में उनकी पोल खुल गई है। बीजेपी वोट के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस सरकार का काम है अपराधियों को पकड़ना, गिरफ्तार करना और प्रदेश को अपराध मुक्त करना। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो ये कहा जाता था कि किसी भी तरह से बदले की भावना से काम नहीं होगा। अब पाठ्यक्रम के बदलाव को लेकर पिछली सरकार ने बदलाव किया, अब इसी सरकार के प्रदेश जो मंत्री है, कोई पाठ्यक्रम कांग्रेस बदलने नहीं जा रही है। जो बीजेपी ने नेहरू जी के पाठ हटाए, जो जिस डेट पर जो घटनाएं हुई उनको लेकर यदि कांग्रेस कहीं काम कर रही है, अभी ऐसा कांग्रेस कभी बदले की भावना से काम नहीं करती। कांग्रेस इतिहास का सम्मान करती है, करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इतिहास से तोड़मोड़ करना, राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल सेवा केंद्र किया गया, ये सब काम इन्होंने किए। नेहरू जी का पाठ्यक्रम से हटाया गया, महारानी लक्ष्मीबाई के पाठ को हटाया गया, ये काम बीजेपी ने किए। कांग्रेस इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, इतिहास का सम्मान करती है।